करनाल में गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते कंबाइन मशीनों की परमिशन के लिए जिला सचिवालय में पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि 423 पंचायतों के लिए 100 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। एक खरीद केंद्र 5 गांवों को कवर करेगा। मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कंबाइन चालकों को परमिशन देने और उनका मेडिकल प्रशिक्षण जिला सचिवालय में किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना के चलते एक और जहां पूरे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं 20 अप्रैल से गेहूं खरीद का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर करनाल जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गेहूं खरीद सुचारू रूप से चले, इसके लिए कंबाइन चालकों को परमिशन देने और उनका मेडिकल प्रशिक्षण जिला सचिवालय में किया जा रहा है। इसके लिए करनाल जिले में किसानों तक डीजल सुविधा शुरू की गई है। अब उन्हें पेट्रोल पंप पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हेल्पलाइन से डीजल वैन खुद उनके खेतों और घरों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जिले की 423 पंचायतों के लिए पहले 10 अनाज मंडियां और इतने ही खरीद केंद्र थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए अब खरीद का कार्य विकेंद्रित किया जाएगा। अब जिले में 100 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। एक खरीद केंद्र 5 गांवों को कवर करेगा, ताकि लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो और किसानों को गेहूं बेचने दूर न जाना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खरीद में लगे सभी कर्मचारियों और किसानों के पास समुचित मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। तहसीलदार राजबख्श ने भी बताया कि कंबाइन चालकों को परमिशन दी जा रही है। इनका पहले मेडिकल किया जाएगा और अब इनको परमिशन देकर खेतों में फसल काटने दिए जाएंगे। अब यह सभी जिनको परमिशन दी गई है गेहूं की फसल काट सकते हैं। अभी तक लगभग 150 लोगों को परमिशन दी जा चुकी है। किसान कृष्ण लाल ने बताया कि उसको सूचना मिली थी कि अब कंबाइन के लिए मंजूरी लेनी है। आज वह लघु सचिवालय पहुंचे हैं। मंजूरी लेने के बाद फसल काटी जाएगी। उन्होंने मांग की है कि किसानों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। मैं सर कृष्ण लाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मरगैन करनाल से हूं जी। तो पहले के मुकाबले अब की बार परमिशन ली जा रही है, तो किस तरह की दिक्कतें कोई आ रही है? दिक्कतें तो नहीं है, कल ही मतलब सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई कंबाइन या ट्रैक्टर जो भी होंगे और थ्रेसर वगैरह, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कल से ही फार्म उपलब्ध करवाई है। पटवारी जी का मेरे पास फ़ोन गया था कि आपके गांव के अंदर जो भी किसी के पास कंबाइन है या ट्रैक्टर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो जो भी कंबाइन वाले लोग हैं वो आए हैं मैं गाँव के, और मैं भी आया हूँ। मेरे पास भी कंबाइन है और एक ट्रैक्टर है। आप कब से यहाँ बैठे हैं, और कोई परेशानी आ रही है मेडिकल करवाने में या कोई समय लगा, कब से आए हैं? अभी हमारे को तकरीबन 1 घंटा हुआ जी आए यहाँ। वो कागज़ की फॉर्मेलिटी कर रखी है, क्योंकि एक बार यहाँ आए लेकिन वो फिर यहाँ बताया गया अभी ये कागज़ ज़रूरी है। दोबारा गांव में गए और वहाँ से वो कागज़ पूरे करके लेके आए हैं सर। तो कंपेन वाले हैं, उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था या मास्क की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से करने की जाएगी? अभी तक तो मतलब वैसे तो गांव में बांटने के लिए तो सरकार ने निर्देश दिए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री ने, कि हर सरपंच अपने गांव के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए मास्क भी बांटेगा और सैनिटाइजर की बोतलें भी बांटेगा और स्प्रे भी करेगा। लेकिन जो कंबाइन पे लोग काम करेंगे उनके लिए सरकार क्या सुविधा करवाती है या वो कंबाइन के मालिक के पास ये पहुँचाती है, मैं तो आदरणीय उपायुक्त महोदय करनाल से प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि कंबाइन के मालिक को ही मतलब उसके वो कितने एकड़ ज़मीन के फसल की कटाई करेगा उसको सैनिटाइजर अगर उपलब्ध करवा दे और ग्लव्स उपलब्ध करवा दे तो बेहतर रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। ये कंपैन और रिपर के मालिक हैं, इनको परमिशन दे रहे हैं हम। एक कंपैन में शायद 3 आदमी या 4 आदमी हैं, सबका मेडिकल होगा। हमारी टोटल कमेटी यहीं पे बैठी है, मेडिकल भी यहाँ होगा, एग्रीकल्चर वाले भी, वो भी कंपेन का सर्टिफिकेट यहीं देंगे और हम साथ के साथ इनको फ्री कर रहे हैं। आज से पहले अभी आज हमने 150 की परमिशन दे दी है और 47 की कल दी है। अब जितने भी ये लोग आए इनको हम परमिशन दे के भेजेंगे और हम मेडिकल वहाँ 10 मिनट लगते हैं, कोई टाइम नहीं। बाकी इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये थोड़ा सा हमारे को भी सहयोग दें। आज तक हमने 150 की इससे पहले दे दी आज की डेट में और 47 की कल दे दी है। तो अभी आपको सभी को टोकन दी जा रही है? हाँ, टोकन दी जा रहे हैं सभी को, हम टोकन दे के इनको सीक्वेंस में बिठा दिया, अभी साथ के साथ इनको फार कर। सब तहसील की अगर बात करें तो इनको ये नहीं पता था, कुछ लोग वो आ जाते हैं तो थोड़ा मैसेज, कोई गलती से आ गया, हम ये इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अपनी तहसील है या सब तहसील है वहीं जाएं। नीसिंग वाले नीसिंग में कमेटी बिठा रखी है, नीलोखेड़ी वाले नीलोखेड़ी में बिठा रखे हैं और निगदू वाले भी नीलोखेड़ी में कर दिए, वहीं जाके
हाँ मेडिकल डॉक्टर बैठे हमारे। तो कंबाइन में कितने बंदे, कितने बंदे के लगभग लाए जाए? 3 आदमी। तो उनके लिए कुछ सुविधा है, कुछ मास्क या कोई सैनिटाइजर की सुविधा? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं उनको, जिस भी जरूरत है गाँव की सरकार की तरफ से नहीं, पंचायत भी दे रही है, हम भी दे रहे हैं, जहाँ भी जिसकी इच्छा ले सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.